आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लहसुन की एक कली आपको माला माल बना सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आसान उपाय जो अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप गरीब हैं और क्या आप अपने घर से गरीबी दूर करना चाहते हैं? तो दोस्तों आप एक लहसुन की कली बस अपने घर में यहाँ पर रख दें, गरीबी आपका दरवाजा छोड़ देगी, गरीबी आपके द्वार कभी भी लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि लहसुन की कली आपको कैसे अमीर बना सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है और घर में नई एनर्जी बनी रहती है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप कुछ अचूक और आसान उपाय भी कर सकते हैं। नंबर एक, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे तो हर रोज शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। इस उपाय को करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि ये दीपक देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शाम के समय महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है और जिस घर के द्वार पर देवी के स्वागत के लिए दीपक लाए जाते हैं वहाँ वो निवास करती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी आप पर सदैव सदैव के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। नंबर दो, घर में रोज गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। अगर ये उपाय रोज करना संभव ना हो तो कम से कम सभी त्योहारों पर, सभी शुभ मुहूर्त पर, पूर्णिमा तिथि पर घर में गोमूत्र का छिड़काव करना ही चाहिए। इस उपाय से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, घर का माहौल पवित्र हो जाता है, घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जहाँ गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है उस घर पर सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। अगर आप गोमूत्र का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तो गंगा जल का छिड़काव तो आपको जरूर ही कर लेना चाहिए। नंबर तीन, रोज मुख्य दरवाजे के सामने रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली से घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ साज सज्जा के लिए ही नहीं है बल्कि देवी देवताओं के सम्मान और स्वागत के लिए भी बनाई जाती है। जिन घरों के सामने रोज सुंदर रंगोली बनाई जाती है वहाँ सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसी वजह से दीपावली और कई शुभ कार्यों के दौरान रंगोली बनाने की परंपरा चली आ रही है। इस उपाय से घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं, इसीलिए आपको ये काम जरूर करना चाहिए। नंबर चार, घर का वातावरण सुगंधित रखना चाहिए। इसके लिए सुबह शाम अच्छी महक वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। जिस स्थान पर बदबू आती रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है, वास्तु दोष भी होता है। ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों से बचने के लिए घर को सुगंधित रखें, इससे परिवार के सदस्य का मन प्रसन्न रहेगा और सभी काम ठीक से कर पाएंगे। नंबर पाँच, घर को हमेशा साफ रखें। घर में कचरा या मकड़ी के जाले ना लगने दें। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। गंदगी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अस्वच्छ स्थान पर दरिद्रता का वास होता है। नंबर छह, रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय शिवलिंग के पास रोशनी करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये उपाय करने वाले भक्त को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की प्रसन्नता से धन संबंधित कामों में आ रही परेशानियां दूर हो सकती है और घर में धन समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय पूरे घर में रोशनी करनी चाहिए, किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर अधिक समय के लिए पूरे घर में रोशनी नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए ये उपाय जरूर करें, अंधेरे से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। नंबर सात, सोने से पहले आप अपने सोने वाले रूम में कपूर का धुआं करें। धुएं से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से परिवार के लोगों में अच्छे संबंध रहते हैं। नंबर आठ, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में बुजुर्गों का हम सदैव सम्मान करें। जिस घर में महिलाएं अपने माता पिता और सास ससुर का सम्मान करती हैं, उनसे देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में खुशी का माहौल बना रहता है। नंबर नौ, घर की महिला को सोने से पहले घर की दक्षिण दिशा में सरसों का तेल जलाकर सोना चाहिए। इससे आपके घर में सुख और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दिया नहीं जला सकते तो उस दिशा में एक बल्ब जलाकर रखें। ऐसा आप शाम में 7 बजे के बाद कर सकते हैं। नंबर 10, घर में रात के समय आप कभी भी बिखरा हुआ सामान न छोड़ें।
ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में नेगेटिविटी फैलती है। कई बार लोग घर से बाहर घूम कर आते हैं और चप्पल घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसीलिए रात में सोने से पहले चप्पल जूते शू रैक में रखकर या फिर उनके निर्धारित स्थान पर रखकर ही आपको सोना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो आप यकीनन ही अपने घर से गरीबी दूर कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वास्तु अनुरूप आप एक लहसुन की कली अपने मुख्य दरवाजे पर टांग दें। मुख्य दरवाजे पर लहसुन की कली आपके पूरे घर से नकारात्मकता दूर करने का काम करेगी। लहसुन की कली के आसपास एक स्वास्तिक का चिन्ह भी अवश्य बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह आप सिंदूर से बनाइए और उसके ऊपर लहसुन की एक कली को आप टांग दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके घर में देवी देवताओं का आगमन होना शुरू हो जाएगा। ये कली आपको काले धागे में पिरो करके टांगनी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपनी कृष्ण वाणी में कहते हैं कि एक लहसुन की कली आपके पूरे घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करती है। बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करती है और काला धागा आपके घर को बुरी नजर से बचाता है। आप एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, पैसों की तंगी और कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये लहसुन की कली का छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। काले धागे में लहसुन की कली पिरो करके आपको मुख्य द्वार पर इस तरीके से लगानी है कि किसी की भी नजर इस पर ना पड़े। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत रुक गई है तो इसके लिए आपको धन की देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी को केसर से रंगे चावल अर्पित करें और पूजा के बाद इन चावलों को एक साफ कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत लौट आएगी। अगर आप अपनी समृद्धि चाहते हैं तो आपको रात में चावल, दही और सत्तू खाने से परहेज करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं या जिनके पास धन नहीं रुकता है, उन्हें रात में इन चीजों को अपने भोजन में शामिल कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए और संभव हो तो रसोई में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे आपका राहु शांत रहता है और कभी भी भोजन के समय जूते या चप्पल नहीं पहनने चाहिए। तुलसी का पौधा घर में हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और यहीं पर इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा के स्थान पर हमेशा गंगा जल भी आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है, इसीलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव।